जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा चांद मक्खन मलाई, जितने मेरे चांदने इस टाइम हम पिंडी से हाथ पड़े और अपने बहुत प्यारे दोस्त इसियत नाथ साहब के गांव में मौजूद हैं। सगरपुर। और क्या नाम है? सगरपुर। सगरपुरा। और साथ ए डी सी आर बाबर चांद शाह साहब। आपको पता है कि जो दोस्त होते हैं वो सभी के खुशी गमी के दोस्त होते हैं। तो आज असलम मार साहब के गांव में हम उनके भाई कब्रिस्तान में आए और मुझे तो नहीं पता था कि भी एतजाज साहब आएंगे। हम तो इनसे पहले ही जुमा पढ़ा के उधर पहुँचे कब्रिस्तान और दुआ की और वापसी निकल रहे थे तो आगे से एतजाज साहब भी आ गए। काम लादें ऐसी होती हैं जो बड़े बड़े अहदों पर जाकर अपने माँ बाप की खबरों को याद रखते हैं, अपने माँ बाप के दोस्तों को याद रखते हैं, अपने माँ बाप के भाई इलाके को याद रखते हैं। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि भाई अपने वालिद की खबर पे भी आते हैं और ड्यूटी पे हूँ और अपने भाई बाबा के जितने दोस्त हैं उनसे भी तलक रखते हैं और भाई इलाके में टाइम भी देते हैं और इनका जितना सियासी है ये अपने भाई इलाके को जो है उनकी मुश्किल में इंसानियत पैदा करते हैं। काम दोस्त ऐसे होते हैं जो किसी की मुश्किल को अपनी मुश्किल समझें। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ मेरे दोस्त शाह बख साहब हैं और शबीर मार्द साहब हैं और ए सी अब्दास साहब हैं और मेरा चांद कुंदल साहब हैं। ये सारे हमारे चांद में इस टाइम बैठे हैं पिंडी सैदपुर के साथ सगरा गाँव में और ये बिल्कुल पिंडी झेलम रोड है, पिंड दादन खान झेलम रोड, उस पर हम बैठे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके वालिद को जन्नत में करवट करवट जगह अता फरमाए और इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और जितने यहाँ इस कब्रिस्तान में लोग दफन हैं अल्लाह उनको उनकी वालदा को अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और जो इनको चंद दिन पहले सदमा मिला आपकी जुदाई का अल्लाह इनको सब जिंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। आमीन। दुआ करने वाला को बाकी ना रहा तो उनको भी आमीन। अल्लाह हर मुसलमान को अकीदत तौहीद की समझ, पूरी दुनिया को तौहीद की समझ। आमीन। मेरे मालिक, मेरे भाई ऐसी इत्तेजाज साहब के साथ साथ और उनके जितने अजीज इस कब्रिस्तान में आराम फरमाए अल्लाह उन सब आमीन। अल्लाह करीम पूरे कब्रिस्तान पर अकीदत आमीन। हमारे साथ भाई साहब, बाप साहब, और जितने दोस्त अहबाब तशरीफ फरमाएँ अल्लाह सब की हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह हमें तो कोई लालच नहीं अल्लाह, मेरे हबीब ने फरमाया जो कब्र पे जाके दुआ मांगे कब्रिस्तान के लिए अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता। मेरे मालिक, मेरे हबीब की सुन्नत है किसी की कब्र पे जाके दुआ मांगे उसके लिए अल्लाह इनको माफ़ करता। अल्लाह अपनी रहमत के सर पे इनको माफ़ करता। मेरे बाबा समेत जिनके वालदैन दुनिया से चले गए उन सब के कब्रों को जमा कर आमीन। बद तकाजा बशरियत गलतियाँ माफ़ फरमा, महबूब की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह दुनिया में जब कब्र अंधेरी हो सवाल जवाब में मौला करीम आसानियाँ पैदा फरमा। अल्लाह हम तो दुआ करते हैं हमें कब्र के अज़ाब से महफूज़ फरमा, शिर्क के अज़ाब से।
जी अस्सलाम वालेकुम मेरे चाम, आज हम इधर पिंडी सैदपुर आए हैं। तो इधर मेरा जुमा था और मुझे पता था कि मेरे दोस्त एसी इतना साहब, मेरे भाई मुराद हुसैन, देखो कारा साहब, भाई शाहद एडीसीआर साहब, इनके अजीज़ हैं असलम बाद साहब। तो मैंने सोचा भी उनके गांव में आए हैं तो ये कैसे हो सकता, हम उनके कब्र पे न जाएं। उस टाइम मैं जनाजे में शामिल नहीं हो सका था, तो फिर मैंने अगले दिन उनके घर में तकरीर करने आया। तो दोस्ती वो होती है, मोहब्बत वो होती है जो किसी के साथ मरने के बाद भी कायम रहे। सह सह जोड़ संगत दे वेखे, आखिर विथा पईया, जिन्ना बाजू चटनी से लंघदा शकलां यार पईया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब भी कोई दुनिया से चले जाए तो आप कब्रिस्तान जाया करें, और कब्रिस्तान जाके ढेर मिट्टी दे उचेरे ने, इदे थले वस दे केड़े ने, कुछ तेरे ने कुछ मेरे ने, उजड़ियां दा डेराई मेरे वीर मुसाफर, सोच रा इस जग दा इको ही फेरा है, इत्थों नज़र बचा के तुर चलिए, तेरा अगे सफर लम्बे रहा है। मेरे दोस्तों, ये कब्रिस्तान में आकर आप देखा करें कि ये कब्रिस्तान इबरत का मकाम है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कब्रिस्तान आके अपनी मौत को याद किया करो। बहुत शुक्रिया।